फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड गलियारे पर। फिल्म में दिए पहले लिपलॉक की झलक के साथ फिल्म धड़क का दूसरा गाना हुआ रिलीज। जिंगाट पर जमकर नाचे जानवी और ईशान। जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क का बुधवार को दूसरा गाना जिंगाट रिलीज किया गया। गाने में ईशान खट्टर के साथ उनका जबरदस्त डांस देखने को मिला। पूरे गाने में दोनों की केमिस्ट्री बेहद शानदार देखने को मिली। गाने के आखिरी सीन में ईशान और जानवी लिपलॉक करते हुए नजर आए। अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया मस्ती भरा सॉन्ग अजय गोगोवाले और अतुल की आवाज में है। बता दें कि शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी फिल्म धड़क इस साल 20 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। ये मराठी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक है। जिंगाट सॉन्ग फिल्म सैराट में भी था और इसे धड़क के लिए भी रिक्रिएट किया गया है। इस गाने को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है और ट्विटर पर भी बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में ये गाना खूब ज्यादा सुनाई भी देगा। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। आईफा अवार्ड्स 2018 में जहां दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को उनकी फिल्म मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं एक्टर इरफान खान को उनकी फिल्म के लिए उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बॉलीवुड के प्रतिष्ठित अवार्ड्स माने जाने वाले आईफा अवार्ड्स का आयोजन इस बार बैंकॉक में किया गया, जिसके लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड बैंकॉक में दिखाई दिया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाई भी रही। अवार्ड नाइट में बीते साल की चुनिंदा फिल्मों और कलाकारों को अवार्ड्स के जरिए सराहा गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए दिया गया। श्रीदेवी के निधन के बाद ये तीसरा मौका है जब उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। मॉम में उनके किरदार के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। श्रीदेवी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उनके पति बोनी कपूर ने रिसीव किया। अपनी पत्नी को याद कर वो स्टेज पर भी भावुक हो गए। बेटे अर्जुन और भाई अनिल कपूर ने उन्हें संभाला। वहीं ऐसा ही इमोशनल पल उस वक्त भी आया जब इरफान खान को फिल्म हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इरफान खान इन दिनों लंदन में है और वो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित है, जो एक रेयर किस्म की बीमारी होती है। इरफान खान को मिले बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए इरफान ने आईफा और अपनी जनता को खूब सारी शुभकामनाएं भी दी। बढ़ते हैं मनोरंजन की तीसरी खबर की ओर। गुरु रंधावा के इस फेमस गाने पर थिरकते हुए साथ नजर आएंगे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के गाने इन दिनों कई दिलों की धड़कने बने हुए हैं। यही वजह है जो बॉलीवुड के कई निर्देशक उनके पुराने गाने को रिक्रिएट कर अपनी फिल्मों में डाल रहे हैं। फिल्म तुम्हारी सुल्लू, हिंदी मीडियम और ब्लैकमेल के बाद अब उनके एक और सुपरहिट गाने को फिल्म में रिक्रिएट किया जाएगा। इस गाने में वरुण धवन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की जोड़ी डांस करती हुई नजर आएगी। जी हाँ, मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गुरु रंधावा के हाई रेटेड गबरू गाने को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। गाने का नया वर्जन डांस पर आधारित फिल्म नवाबजादे में देखने को मिलेगा। इस बात का खुलासा खुद वरुण धवन ने किया है और उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हाई रेटेड गबरू गाने के सोशल पोस्टर भी शेयर किए हैं। ये गाना 2 दिन बाद रिलीज होगा। हालांकि ये दोनों इस फिल्म के केवल इसी गाने में साथ नजर आएंगे। आपको याद होगा कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर दूसरी बार है जो एक साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले इन दोनों को फिल्म ABCD2 में भी देखा गया था। बात करें नवाबजादे की तो इस फिल्म में ABCD के राघव जुवाल, पुनीत पाठक और धर्मेश जैसे एक्टर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म नवाबजादे अगस्त में रिलीज होगी और इस फिल्म का निर्देशक रेस 3 के डायरेक्टर रमोट डिसूजा ने किया है। ऐसी और भी अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।